आसिम रियाज और हिमांशी खुराना ने डिलीट की एक दूसरे की फोटोज। ब्रेकअप को लेकर उठे ये सवाल। बिग बॉस 13 में अपने लव एंगल से लाइमलाइट बटोरने वाले आसिम रियाज और हिमांशी खुराना को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ, ताज़ा अपडेट के मुताबिक दोनों के बीच रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा और इन्होंने एक दूसरे के साथ 4 साल के रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप कर लिया है। इस तरह से बिग बॉस में शुरू हुई एक और लव स्टोरी का दुखद एंड हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आसिम और हिमांशी एक दूसरे से अलग हो गए हैं और दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनफॉलो भी कर दिया है। यहाँ तक कि दोनों ने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक दूसरे की फोटोज तक को डिलीट कर दिया है। इतना ही नहीं, इस कपल ने एक दूसरे को अनफॉलो करने के बाद अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कुछ क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर किए जो उनके ब्रेकअप की ओर काफी ज्यादा इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब आसिम और हिमांशी ने अपने फैंस को पोस्ट से भ्रमित किया है। इससे पहले भी दोनों ने अपने ब्रेकअप को लेकर काफी हिंट दिए थे, लेकिन सोशल मीडिया पर कभी भी एक दूसरे को अनफॉलो नहीं किया था, तो इस बार वो भी इन दोनों ने कर दिया है। वहीं इन दोनों के फैंस इस बात से काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक क्या हो गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हाल ही में हिंदुस्तान टाइम के साथ एक इंटरव्यू में हिमांशी खुराना ने अपने रिश्ते और इसे अगले स्टेज पर ले जाने के प्लान के बारे में बातचीत की थी और एक्ट्रेस ने कहा, पहले लोगों को हमारे रिश्ते पर शक था, अब लोग ये सब बोल रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है, अभी हम अपने काम पर फोकस कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए मौजूद है। हमारी समुदाय और धर्म भी काफी ज्यादा अलग है, हमारी फैमिली हमारे लिए खुश है, लेकिन इस रिश्ते को अभी और टाइम देने की काफी ज्यादा जरूरत है। वेल, आपका आसिम रियाज और हिमांशी खुराना के ब्रेकअप पर क्या कुछ है कहना, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।